सबसे पहले सवाल जो है आपके मन में उठ सकता है कि भैया आपने एक ही अकाउंट से ये सारा का सारा ऑर्डर दिया है या फिर आपने मल्टीपल अकाउंट का यूज़ किया है। तो सिंपल से जवाब है, मैंने मल्टीपल अकाउंट का यूज़ किया है। कोई एक बंदा जितना भी इंटेलिजेंट हो जाए वो एक ही अकाउंट से उतना सारा प्रोडक्ट यूज़ मतलब जो है ऑर्डर नहीं कर सकता। देखिए मैं आपको सिंपली हिसाब समझा देता हूँ। मैंने ये ग्रॉसरी प्रोडक्ट ऑर्डर किया है वंस ए मंथ प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके। इस प्रोमो कोड में होता क्या है, अगर आप 300 रुपये का शॉपिंग करते हैं तो आपको जो है 200 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा, यानी कि आपका इफेक्टिव प्राइस 100 रुपये पड़ा। अब वो 100 रुपये अगर UPI मेथड से आप पेमेंट करते हैं फिर आपको 30 रुपये कैशबैक मिल जाएगा, यानी कि आपका इफेक्टिव प्राइस अभी पड़ा 70 रुपये। यानी कि 70 रुपये में आपको क्या मिल रहा है, एक 500 ग्राम का रेड लेबल का पैकेट और एक 1 लीटर का फॉर्चून का तेल। यानी कि 70 में आपको ये दो प्रोडक्ट मिल रहा है, हर एक के लिए आपको 35 रुपये देना पड़ता है जो कोई भी दुकानदार आपको दे नहीं सकता। पहला पॉइंट तो ये मैंने बता दिया कौन सा प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके मैंने लिया है और कैसे मैंने लिया है। अभी मैं बताऊंगा कि ये सारा का सारा प्रोडक्ट जो है मैंने एक अकाउंट से नहीं किया है, इसके लिए मैंने मल्टीपल अकाउंट का यूज़ किया है। मैंने ऑल टोटल 10 अकाउंट का यूज़ किया है, ठीक है। जो मेरा पुराना अकाउंट था मैंने ऑलरेडी फर्स्ट टाइम लकी कोड, जो पहला प्रोडक्ट पेटीएम से फ्री में मिलता है 200 रुपये जिसका वर्थ है और 200 रुपये ही कैशबैक मिल जाता है, यानी कि इफेक्टिव प्राइस जो है 0 रुपये पड़ता है, उसका प्रोमो कोड का मैंने पहले से अगले मंथ पे यूज़ कर लिया था। उसके बाद जो जो वो पुराना अकाउंट है उस अकाउंट से मैंने जो है ये ग्रॉसरी प्रोडक्ट मंगवाया है। पहला क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि भैया इतना सारा अकाउंट पे आपने KYC कैसे करवाया होगा, है ना। तो इसका भी मैं जवाब आपको दूंगा। भैया आप मिनी KYC करवा लीजिए, बायोमेट्रिक KYC करने का कोई दरकार नहीं। अगर आप मिनी KYC करवाते हैं तो आप जो है कैशबैक के लिए संपूर्ण एलिजिबल है। अब हर आदमी के पास तो लगभग एक वोटर कार्ड, एक पैन कार्ड, एक NRCS कार्ड, ऐसा करके सब कुछ एक एक होता है। अगर आपके पास अगर 5 डॉक्यूमेंट है तो 5 नंबर का KYC आप कर सकते हैं। अगर आपके फैमिली में लगभग 3 मेंबर है तो आपके पास 15 अकाउंट का KYC हो सकता है। अब होता है मिनी KYC क्या होता है और बायोमेट्रिक KYC क्या होता है। देखिए बायोमेट्रिक KYC में आपको आधार कार्ड के साथ साथ अपना थंब इम्प्रेशन भी देना पड़ता है, या फिर आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर किया हुआ है उसके साथ जो है OTP वेरीफाई करना पड़ता है। बट मिनी KYC में वैसा कुछ नहीं है। मिनी KYC में आप खाली अपना अपना वोटर कार्ड, NRCS जॉब कार्ड या फिर पासपोर्ट या फिर पैन कार्ड जो है अपडेट कर दीजिए अपने नाम के साथ और वेरीफाई कर लीजिए, आपका जो है KYC प्रोसेस डन हो जाएगा। आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक में तो अकाउंट नहीं खोल पाएंगे लेकिन आप पूरा पूरी कैशबैक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। दोस्तों मैं हर एक डिटेल्स बोल रहा हूँ, वीडियो को स्किप करेंगे तो आप खुद स्किप हो जाएंगे। अगर वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप जो है पूरा पूरी एलिजिबल हो जाएंगे, आप भी कर पाएंगे। देखिए दोस्तों मैंने एक सिंपल सा ट्रिक को एक लार्जेस्ट क्वांटिटी में बदल दिया है, इस वजह से जो है आपका प्यार और सपोर्ट मुझे मिला है। तो यही है बस मैटर। तो ये रहा आपका जो है सेकंड क्वेश्चन का एक खूबसूरत सा आंसर। अभी आपके मन में सवाल नेक्स्ट जो आ सकता है कि भैया आपने UPI मेथड से पेमेंट करने की बात कही है लेकिन हर एक नंबर से बैंक अकाउंट लिंक करवाते हैं, डीलिंक करवाते हैं, ये कुछ संभव नहीं है। हाँ ये बात संभव नहीं है लेकिन आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए आप जब भी ऑर्डर कर रहे हो तो आप जो है दोनों पेटीएम ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा देखिए मैं यहाँ पे एक पेटीएम ऐप है,
ये यहाँ पे एक पेटीएम हैक है। इस पेटीएम हैक में मेरा एसबीआई का अकाउंट लिंक किया हुआ है और ये मैं फ्रेश मतलब इसमें मैं नया नया अकाउंट से साइन अप करता हूँ, इसमें मैं नया नया अकाउंट से साइन अप करता हूँ, उसके बाद ऑर्डर करता हूँ। ऑर्डर प्रोसेस करने के टाइम जो यूपीआई हैंडल है मैं इस ऐप का यूज़ करता हूँ, तो इससे क्या होता है इस पर एक रिक्वेस्ट आता है, मैं उसको अप्रूव कर देता हूँ तो मेरा पेमेंट जो है डन हो जाता है। तो मुझे क्या मिलता है इस अकाउंट पर, फिर मुझे 30 रुपये का कैशबैक मिल जाता है। ये बड़ा सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों, ये आप भी कर सकते हो, तो यूपीआई का कैशबैक आपको ऐसे ही मिलेगा। आशा करता हूँ आपने समझ गया होगा, अगर आप समझे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। तो तीसरा जो सवाल आपके मन में जाग सकता है उसका जवाब भी मैं दूंगा, और वो सवाल होगा, देखिए दोस्तों आपके मन में ये सवाल ज़रूर जाग सकता है, अगर आप पेटीएम ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक सडन टाइम के बाद आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइस प्रोमो कोड अप्लाई करते वक्त दिखा सकता है। मुझे भी ये दिखा रहा है, देखिए मैं दिखा देता हूँ ये प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है। आप अगर बहुत बार करते हो तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिल सकता है। ठीक है, मैं फर्स्ट ऑर्डर पे जाता हूँ, उसके बाद मैं कार्ट पे एक प्रोडक्ट है मैं ऑलरेडी उस पे जाता हूँ, जल्दी से आपको खरीद दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। अप्लाई प्रोमो कोड सेक्शन में अगर मैं जाके वंस ए मंथ प्रोमो कोड को अप्लाई करता हूँ तो मुझे यह प्रॉब्लम जो है शो हो जाएगा। देखिए यह प्रॉब्लम भी आपको कुछ देरों बाद 4-5 ऑर्डर करने के बाद शो हो सकता है। इससे आप निजात कैसे पाएं, सिंपल सा है, आप इस ऐप पे जो अकाउंट जो है ओपन करके रखें वही अकाउंट जो है अपने गूगल क्रोम में ओपन कीजिए paytm.com पे। उसके बाद जब है आप अपना ऑर्डर मतलब प्रोमो कोड वहाँ पे जो है पेस्ट कर लीजिए और पेमेंट वहीं से जो है इनिशिएट कीजिए, उसके बाद जो है आपको ये प्रॉब्लम शो नहीं करेगा। वहाँ से भी आप यूपीआई हैंडल का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यूपीआई रिक्वेस्ट जो है आपका जिस ऐप पे किया हुआ होगा उस ऐप पे जो है आ जाएगा, मेरा तो इस पे किया हुआ है तो मुझे मेरा इस पे आ जाएगा, तो मैं वहाँ से फिर अप्रूव कर दूंगा तो मेरा पेमेंट कट हो जाएगा वहाँ से और मेरा वो उधर का ऑर्डर जो है सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। यही बस है कोई मतलब पूरा का पूरा चीज़। अब मेन चीज़ है पेटीएम का मल्टीपल अकाउंट कोई भी क्रिएट कर सकता है, कोई भी बंदा, ठीक है। उसको केवाईसी में कैसे करवाना है, क्योंकि सभी को पता है पेटीएम में केवाईसी नहीं करोगे तो कैशबैक नहीं मिलेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं बता रहा हूँ कि आप सबको ही अकाउंट का मिनी केवाईसी करवा लीजिए। खाली आपको दो चीज़ करना होगा, एक डॉक्यूमेंट का नंबर देना पड़ेगा और एक नाम देना पड़ेगा। वो क्या देते हो वो आपके ऊपर है, आप सही देते हो गलत देते हो क्या देते हो नहीं देते हो वो आपके ऊपर है, वो आपका मैटर है, आप समझेंगे वो अच्छे से, आप मेरा बात समझ ही गए होंगे। तो आप जो है वो भी सॉल्व हो गया, आपका केवाईसी का मैटर भी कैसे सॉल्व हो गया। तो आप जो है इसके मतलब इस टेक्निक के मदद से मल्टीपल जो है ऑर्डर दे सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया से बहुत अच्छे से, और इसको जो है बार बार करके आप अच्छे से इसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। तो यही है सारा का सारा जो है टेक्निक, आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाया होगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि अभी तो मतलब 29 तारीख हो रहा है, अगले महीने लगभग 1-2 तारीख से पेटीएम जो है फिर से वन से मंथ प्रोमो कोड का एक बार फिर से कुछ नया प्रोडक्ट के साथ लेके आएगा, तो आप रेडी रहिए। जब भी कुछ नया प्रोडक्ट निकलता है तो मैं चैनल पे सबसे पहले अपडेट करूँगा, तो हमारे चैनल के साथ बना हुआ रहिए, ठीक है। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो जो बेस्ट वीडियो है मेरे ख्याल से मेरे चैनल पे, मैं सारा का सारा लिस्ट जो है नीचे दे दिया हूँ, आप वो सब वीडियो ज़रूर देखिए। क्योंकि खाली ये तो मैंने प्रोडक्ट खाली अनबॉक्सिंग करके मैंने देखा है मैंने कितना ऑर्डर किया है, बट यकीन मानिए अगर वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और देखिए मेन बात है ये कि कोई चीज़ कैसे वर्क करता है, हम लोग वो उसको सीखना चाहिए, हम लोग को ऑफर के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर आप सीख लेते हैं कोई चीज़ कैसे वर्क कर सकते हैं तो उसका कमज़ोरी ढूंढ के आप जो है अच्छे से उसका फ़ायदा ले सकते हैं, नहीं तो फिर 10-20 रुपये कमा के कोई फ़ायदा नहीं है मेरे ख्याल से।
तो इसी के साथ जो है वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।